भाई ये देखिए जरा सर्विस के बाद ये क्या हुआ। जी जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो यार गुड 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 मॉर्निंग आप सभी को। यार मेरी गुड मॉर्निंग तो यार हो ही नहीं रही क्योंकि यार बहुत परेशान हूँ अभी डोमिनार को लेके। अच्छा पिछली बार सर्विस सेंटर की वीडियो आपने देख ली थी, उन्होंने कहा था कि सबको सॉर्टेड कर देंगे, बट वो चीज़ हुई कि यार मैं घर पे तक आया ही था कि चीज़ें मुझे वापस से रियलाइज़ होने लगी। फिर इसमें ना कुछ नीचे धुआं उठ रहा था बहुत बुरी तरीके से, तो भाई परेशान तो मैं था इस चीज़ से सर्विस वालों ने जो किया था वो। ये बात मैंने आपको बोली भी है कि यार सर्विसिंग ना मुजफ्फरनगर में अच्छी नहीं है डोमिनार की। सो अभी क्या इशू है यार, वो सेम इशू है जो पिछले वाले चैन सेट में आ रहा था, बार बार चूं 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 की आवाज़ आना और बाइक एक साइड को भाग रही थी हाथ छोड़ते ही या फिर ब्रेक लगाते भी एक साइड को भाग रही थी। एक बार ना यार उनसे बात करेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे होंगी और मैं कंप्लेंट डाल दूंगा आज, क्योंकि यार परेशान आ चुका मैं। कंप्लेंट डाल के देखूंगा क्योंकि यार मैं अपने पर्सनल किसी कॉन्टैक्ट की वजह से उनको कंप्लेंट ना करूं तो वो चीज़ गलत है। तो चलो यार एक बार उनसे बात कर। अभी तो कोई आपका प्राइस का इशू नहीं है राइट सर? नहीं नहीं सर, प्राइस का कोई इशू बनता ही नहीं है सर। मेरी कंप्लेंट ये थी, मैंने उसके बाद लिखित में भी डाल ली थी, मेरी कंप्लेंट ये थी कि मेरी बाइक में शुरू से एक तो हैंडल उसका और एक उसके पीछे से चूं चूं की आवाज़ आती है, जैसे मेरी 5-6 साल पुरानी बाइक में से आती थी ना वो वाली आवाज़ आती है। डिस्क ब्रेक की प्लेट पूरी गर्म हो जाती है पीछे वाली, और जब उस पर से हाथ हटाते हैं ना या हार्शली जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बाइक एक साइड को भागती है राइट साइड में। जी सर समझ सकता हूँ, जैसे कि आपने कहा हैंडल प्रॉब्लम दे रहा है जी, और वो पहले दिन से ही है, बट ये चीज़ मैनेज करने लायक नहीं है क्योंकि मुझे पहले बोला गया था कि आप पहली सर्विस करा लो, पहली सर्विस के बाद आपकी ये जो इशू है ठीक हो जाएगा, पहली सर्विस भी हो चुकी बाइक की। सो यार आप लोग देख रहे हो कि मतलब अगर आप 1-3 लाख की बाइक भी ले रहे हो ना बजाज के अंदर, तो आप डेली अपना बिजनेस छोड़ के, जी सर कॉल पे हूँ, तो डेली आप अपना बिजनेस छोड़ के ना इन लोगों को बस कॉल मिलाने पे रहोगे और वहाँ से रीज़न क्या मिलेगा कि ये तो ऐसा होता ही है। सो चीज़ें ना बजाज के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, अभी और चीज़ें भी दिखाऊंगा भाई। बात तो होगी यार उनसे भी, और अभी ऋषभ भैया का फ़ोन भी आया था जो बजाज से हैं। बेसिकली ऋषभ भैया मुझे हमेशा हेल्प ही करते हैं कि भाई ऐसे नहीं यार तू आ जा एक बार और चीज़ें शॉर्ट आउट करते हैं बैठ के, देखते हैं क्या दिक्कत है डोमिनार में। अभी उन्होंने बोला है कि यार बाइक छोड़ दे और तू ना इस बार टेंशन फ्री होकर बाइक छोड़ दे, अब उसके बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अभी ऋषभ भैया ने यह बोला है। खैर बजाज से ना मैं सही बोलूँ तो भाई एक जेन्युइन पर्सनैलिटी मुझे वही लगते हैं जिनको उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली होगी कि ये चीज़ सोल्व नहीं होगी। उन्होंने हमेशा से यही चीज़ बोलते हैं कि यार तुम आ जाओ और इसको सॉर्टेड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ठीक है, अब ऋषभ भैया के कहने पर ना हम लोग बजाज जा रहे हैं। अच्छा बाकी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बजाज में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऋषभ भैया जैसे जिनको नॉलेज होगी, जिनको ये पता होगा कि कैमशाफ्ट क्या होती है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, आधे ना बजाज में मैकेनिक, बजाज में क्या हर एजेंसी की बात है ये, बहुत कम लोगों को पता होगा कि गहरी गहरी चीज़ों का रोक आर्म्स क्या होते हैं, कैमशाफ्ट क्या होती है, इंजन वर्क कैसे करता है, बहुत कम लोगों को। और ऋषभ भैया ना उनमें से एक है, इनको पता है सारी चीज़ों का, उनको नॉलेज है अच्छे से। तो अभी देखते हैं यार बाइक छोड़ देंगे कल और उसके बाद देखेंगे चीज़ें सॉर्टेड होती है नहीं, वरना लास्ट में तुम्हें बता ही रखा है भाई बाइक नहीं रखूंगा देखो बिल्कुल भी, क्योंकि परेशान आ चुका। ड्रीम बाइक थी मेरी, मेरा ड्रीम का बस क्या बोलूँ क्या बन गया। तो चलो यार अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कल बाइक छोड़ने के लिए जाएंगे, शायद से वीडियो एक दिन लेट आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और यार जो लोग डोमिनार लेना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करना ये चीज़ कि डोमिनार में दिक्कतें आ सकती हैं, तो पहले से पहले अपने स्लॉट की बाइक एक बार चेक करा। और भाई मैंने और बाइकें भी टेस्ट करी हैं, तो सारी बाइकों में 2022 वालियों में दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो 2022 वाली बेसिकली वे नहीं जो 2022 में खरीद रहे हैं, जो 2023 में खरीद रहे हैं वो भी चेक कर लेना, 2022 की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, हमको चेप दी थी ये 2022 वाली, और भाई 23 का प्राइस पे कराया मैंने अभी, तो इस बात के लिए भी एक लड़ाई शुरू होने वाली है हम लोगों की। 2022-23 की मैंने बाइक मांगी थी कह के, रेड कलर मांगा था, ब्लैक चेप दिया, कोई बात नहीं चलो कलर की चीज़ है, बट उन्होंने क्या किया है 2023 में 22 की बाइक चेप दी है मुझे, इसीलिए इसमें इश्यूज आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो चलो यार कोई बात नहीं, वो चीज़ें तो सॉर्टेड हो जाएंगी। अब खैर 22 वाली इशू तो सॉर्टेड हो नहीं सकता, बट जो धोखा हो गया तो हो गया, आप लोग इसका ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, थैंक यू सो मच आप सभी का। और वैसे डोमिनार एक बहुत प्यारी बाइक है अगर इशू ना आए तो आप देखते हैं इशू रिजॉल्व होते हैं क्या। थैंक यू सो मच आप सभी का, बने रहना वीडियो में, तुम सब मेरी जान हो कसम से।